गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले हमारे जो वीडियो थे उसमें हमने आपको एक्सप्लेन करा था आपको रेडियस, टाइप्स ऑफ रेडियस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ओके, एंड इट्स पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स, फर्स्ट डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आपको पता है कोई भी एलिमेंट है उसका ये न्यूक्लियस है, उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 8 होते हैं। सपोज जैसे दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मैं डेफिनेशन फिर से रिपीट करी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम समझ गए, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हो गया सिंपल वे में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एंथैल्पी। और इसको मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल में, इसको फाइंड आउट करते हैं किसमें, इसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है कि हम इसको पीरियोडिसिटी में, दैट मींस पीरियड्स एंड ग्रुप में कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड्स और ग्रुप में किस तरह से वेरी करती है। ठीक, तो हम कुछ एलिमेंट्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एलिमेंट को लेती हूँ पीरियड्स में। अब इसको एक बार आयनाइजेशन एंथैल्पी को एक्सप्लेन करने के पहले एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है एल, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती का, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एम प्लस। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम, ये एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एम प्लस में। और इस समय जो एनर्जी होगी, इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, या फर्स्ट आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल, मैंने पोटेंशियल लिख दिया आपको, इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और कई लोग इसको पोटेंशियल भी कहते हैं, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई पी आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, अब मान लीजिए आप एक ही इलेक्ट्रॉन तो रिमूव करेंगे नहीं, आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में से, सपोज आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, तो दिस एंथैल्पी इज नोन एज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सपोज आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो वो एम प्लस में से करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद ये आइसोलेटेड गैसेस स्पिटी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो गया? एम टू प्लस में। तो दिस इज नोन एज द सेकेंड आई पी या आई ई, इसको हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेम वे अब अगर मान लीजिए थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहेंगे, तो एम थ्री प्लस करने के लिए, सॉरी एम थ्री प्लस करने के लिए हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करा और ये कन्वर्ट हो गया एम थ्री प्लस में, दिस इज नोन एज द थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बात सब ये है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को कहने का मतलब है आयनाइजेशन एंथैल्पी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कराती है, सेकंड के लिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड के लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इस तरह से कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहती है। ओके, बट अब आपको मैं कह रही हूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को पीरियड्स और ग्रुप में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दैट मीन्स उसकी पीरियडिसिटी कैसे एक्सप्लेन करी जाएगी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एलिमेंट को ले लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, इन पीरियड्स में हमारे पास पीरियड्स, आपको पता रखा है मैंने आपको, पीरियड्स जो होते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं। इन पीरियड्स में हम देखते हैं, हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया 6, 7, 8 ऐसे ले लेती हूँ। ठीक है, तो कार्बन हो गया आपका 1s2 2s2 2p2, ये हो गया 2p3 एडिटिंग रह गई ऐसे, और ये हो गया आपका 2p4। अब कार्बन से पहले जो होता है आपका क्या होता है आपका? बोरो, ठीक है, कार्बन से पहले अगर बोरो लेते हो तो ये हो जाता है 2p1। अगर हम पीरियड्स में एलिमेंट को लेते हैं तो आपको पता है पीरियड्स में लेने पर एटॉमिक नंबर क्या होता है? बढ़ता रहता है, और लास्ट स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, बट
लास्ट सबसे क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो देख रहे हैं ये 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जाएंगे सेल्स में। अब बताना चाह रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड्स में किस तरह से वेरी करती है। तो अब ऐसे इसको इससे शो करना चाहती हूँ मैं आपको, ये हो गया 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p, ठीक है। ये किसका हो गया, बोरोन का। ये हो गया न्यूक्लियस, ये 1s, ये 2s, और ये हो गया 2p। ये किसका हो गया, कार्बन का, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज 1s, 2s, ये 2p हो गया। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज 1s, ये हो गया 2s, एंड दिस इज 2p। अब 2p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप देख रहे हो सेल इज कॉन्स्टेंट, सेल कॉन्स्टेंट है, हर केस में आपकी सेल कॉन्स्टेंट है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और न्यूक्लियस अपनी पोजिशन पर फिक्स है, ठीक। न्यूक्लियस की सेल से डिस्टेंस आपकी क्या है, कॉन्स्टेंट है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। आप डेफिनेशन को माइंड में रखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। किसी भी गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, कितनी जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, सेल्स वही है, एक इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होगा, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या होगी, एंथैल्पी की कम जरूरत पड़ेगी, दैट मीन्स इसके आयनाइज एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, कम होगी, ठीक। सपोज इमेजिन कर लीजिए इसके आयनाइज एंथैल्पी कितनी हो गई है, 2 हो गई है, 2 किलो जूल पर मोल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपर अट्रैक्शन है, उसका अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, आपको बाहर फेंकना है, तो इसको रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी की एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और मैंने इसके लिए मान के चला कि इसके अमाउंट ऑफ एंथैल्पी कितनी है, 2 है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस वहीं पर है, सेल्स अपनी वहीं पर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ प्रॉपर अट्रैक्शन होगा, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट रेडियस बिकम डिक्रीजे, रेडियस डिक्रीज क्यों होती है, बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शुड बी इंक्रीजेड, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शुड बी इंक्रीजेड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रभावी नाभिक आवेश जो होगा नाभिक की तरफ को बढ़ जाएगा, तो इसको रिमूव करने के लिए अगर नाभिक आवेश बढ़ गया, इस 2 इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपर अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या होगी, ज्यादा एनर्जी होगी, तो इसके कंपेयर में अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, कितनी, मान के चलिए 2+1 हो गई, तो दैट मीन्स इंक्रीज ही हो रही है। अब बात करेंगे इस वाले के लिए, यहाँ पर न्यूक्लियस ये है, सेल्स ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस की तरफ को और ज्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि आपको बार बार बोल रही हूँ मैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शुड बी इंक्रीजिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ को पूरी तरह से टाइटली पैक्ड है, तो इनको रिमूव करने के लिए क्या होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, सो दैट मींस द अमाउंट ऑफ द एंथैल्पी शुड बी इंक्रीजेड, अभी तक ये 2+1 थी, अभी 2+1+1 हो गई, तो दैट मींस अमाउंट ऑफ एंथैल्पी और बढ़ गई। सेम वे 4 इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को टाइटली पैक्ड होंगे, और ज्यादा टाइटली पैक्ड है, प्रॉपर अट्रैक्शन होगा, अब मुझे अट्रैक्शन से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, अब ये टाइटली पैक्ड है, तो इनको निकालने के लिए भी तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और क्योंकि टाइटली पैक्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक्ड है, तो इनको रिमूव करने के लिए क्या होगी, ज्यादा एंथैल्पी की जरूरत होगी, तो दैट मीन्स अभी तक ये 2+1+1 थी, अब एक और बढ़ गया, कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या समझे, बात ये समझे कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शुड बी इंक्रीजेस, सो वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक आवेश बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नाभिक तरफ को अट्रैक्ट होते जाएंगे, उस आकर्षित नाभिक की तरफ को इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी, और हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू वैल्यू ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट शुड बी इंक्रीजेड। इसका मतलब हमारी लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, रेगुलरली इंक्रीज होती है, जो कि आज तक जो हमने पढ़ाया था रेडियस की वैल्यू लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती थी, वो इसी में क्लियर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए रेडियस डिक्रीज हो रही है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट यानी कि पीरियड्स में जाने पर रेगुलरली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक। अब बात करते हैं कि आपकी लेफ्ट टू राइट यानी कि लेफ्ट टू राइट का मतलब हो गया पीरियड्स में मूव करने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू रेगुलरली क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही है,
तो इसका मतलब अब हम कंपेयर करेंगे इन ए ग्रुप, अब हम देखेंगे कि ग्रुप में इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, चेक करेंगे। तो हम ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, ग्रुप के कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, ग्रुप में सेम, ठीक है, सेम कार्बन सीरीज को ले लेते हैं ग्रुप में। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन अभी आपने देखा हो, 1s2 2s2 2p2 था, ओके। इसका एटम नंबर कितना था, 6 था। तो सेम वे इसके नीचे वाले का कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और आपका आ जाएगा 3p2 हो जाएगा। इसके नीचे वाले का क्या आ जाएगा, 4p2 हो जाएगा। तो 4p2 से मतलब समझ रहे हो कि आपका ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, ऐसे सेम वे यहां पर भी बढ़ता रहेगा, ठीक। ज्यादा एलिमेंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कार्बन और सिक्रोल भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। कार्बन का है 1s2 2s2 2p2, ओके। तो कार्बन का बना लेते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस, दिस इज 1s, ये 2s, ये 2p, ये हो गया 1s 2s 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आपके शो हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं। सेम है सिलिकॉन को लेते हैं, ये हो गया 1s, ये न्यूक्लियस आपका 2s 2p 3s 3p और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही है। तो आपको ये क्लियर है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते थे हमारा सेल्स कांस्टेंट रहती थी लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते थे, बट ऑन मूविंग अप टू डाउन द सेल्स बिकम इंक्रीज, सेल्स क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, बट इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और हम इसके नीचे जाएंगे तब भी लगातार 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल की यही प्रॉपर्टी थी कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वही नीचे के एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी, ठीक। तो अब इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को जो भी अट्रैक्शन है, ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, सपोज इसको रिमूव करने के लिए एक इमेजिन करके चलते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सपोज 2 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 2 किलो जूल की एनर्जी की आवश्यकता होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मेन रीजन क्या है, बिकॉज ऑन मूविंग अप टू डाउन द सेल्स बिकम इंक्रीज, ये सेल्स बढ़ गए हैं। कहने का मतलब है अभी तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पर था, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस पर आ गया, डिस्टेंस बढ़ गई है, यानी कि जब नाभिक के नजदीक था, न्यूक्लियस के नजदीक था इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपर अट्रैक्शन था और वो हमने अट्रैक्शन मान के चला है सपोज 2 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है रिमूव करके, बट अब इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ गई है, यानी कि ये सेल्स तो 3 थी लेकिन 2 सेल्स और बढ़ गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपर अट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि प्रभावी नाभिक के आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपर अट्रैक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपर अट्रैक्शन नहीं होगा या अट्रैक्शन कम हो जाएगा क्योंकि सेल्स बढ़ गई है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली नाभिक से क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएंगे, दैट मींस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इजीली निकल जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक की तरफ को अट्रैक्शन कम है। प्रॉब्लम तब हो रही थी कि पहले वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ था, लेकिन अब ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है, प्रॉपरली बंधा तो है लेकिन कम एनर्जी के साथ। अब नीचे अगर हम जी की तरफ करेंगे तो हमारी सेल्स और बढ़ गई है, और बढ़ जाने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्शन और लेस हो गया, अब इन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्शन और लेस हो गया, यानी कि कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन और इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो क्या समझे, पहले एंथैल्पी मान लीजिए 2 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी रिमूव करने के लिए, तो अब कितनी हो रही है, 2 में से माइनस 2 में से क्या कर दिया आपने, 1 कम कर दिया, और इस वाले में 2 में से माइनस 1 और माइनस 1। कहने का मतलब है कि अप टू डाउन, ऑन मूविंग अप टू डाउन इन ए ग्रुप द रेडियस बिकम इंक्रीजेस, रेडियस बढ़ने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जा रहा है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी व्हाट, आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी डिक्रीजेस, क्योंकि इसलिए डिक्रीज हो रही है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है, लेस हो जा रहा है। तो लेस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रॉपरली टाइटली पैक्ड टुवर्ड द न्यूक्लियस एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो आज हमने जो पढ़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है,
और ये एनर्जी एंथैल्पी किस तरह से वेरी करती है इन पीरियड्स एंड ग्रुप, ठीक है। बट एवरी केस में ऐसा नहीं होता है कि आप इसी तरह को फॉलो करें, कुछ एक्सेप्शनल केस भी हमारे एनर्जी एंथैल्पी में होते हैं जिसके बेसिस पर हम एनर्जी एंथैल्पी को एक्सप्लेन करते हैं। वो एक्सेप्शनल केस प्लस कुछ रीजनिंग क्वेश्चन इन द रिलेटेड विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी आई एम एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड आपके जो एक्सेप्शनल केस हैं और कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, हम उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।